मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औरंगाबाद जिला मुख्यालय में नवनिर्मित परिवहन भवन का उद्घाटन किया। साथ ही 12 बस पड़ाव का शिलान्यास करने के साथ 51 लाभुकों के बीच मुख्यमंत्री ग्राम परियोजनाओं के तहत वाहनों का वितरण किया। कार्यक्रम का उद्घाटन और मुख्यमंत्री द्वारा संबोधित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस अवसर पर औरंगाबाद के जिला अधिकारी सौरभ जोरवाल और जिला परिवहन पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा ने परिवहन विभाग की गतिविधियों और उपलब्धियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजनाओं के जरिए ग्रामीण इलाकों के बेरोजगार युवाओं को सीधे रोजगार से जुड़ने की पहल राज्य सरकार द्वारा की जा रही है, जिससे पूरे प्रदेश में हजारों युवाओं को अब तक रोजगार सुलभ हुआ है। अंतिम साल 2004-05 था और उसमें जो भवन निर्माण से संबंधित जितनी योजनाएं थी उसके लिए कुल आवंटन बजटीय उपबंध था वर्ष 2005-04-05 में 22,53,00,000 रुपए। ये 22,53,00,000 यानी इतने की ही योजना, इतने का ही बजट में प्रावधान, यानी कुछ काम ही नहीं होता था। और मेंटेनेंस का किस तरह से मेंटेनेंस होता था सबको पता है। और आप समझ लीजिए कि जब हम लोगों को काम करने का मौका दिया, बिहार के लोगों ने सेवा करने का मौका दिया है, तो हम लोगों ने हर क्षेत्र में। पटना ब्यूरो की रिपोर्ट, ATN लाइव इंडिया।